अच्छा मैम, आई थिंक दिस सॉन्ग इज समथिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग. क्या ना सर, फर्स्ट वी रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग इन कन्नड़ा. उसके बाद पहले 2012 में एकता टाइगर मेरा सलमान खान साहब का बड़ा फैन है, उसको एकता टाइगर गाना रिलीज हो गया पलक मिनट का गाना. उसके टाइम आई यूज टू थिंक ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस, आई नीड टू वर्क विथ हर. उसके बाद आशिकी 2 आ गया, ओ बहुत हिट हो गया. उसके बाद एम एस धोनी भी आ गया, उसका बहुत हिट हो गया. अभी सलमान खान सर का अभी किसका वो भी बहुत हिट हो गया. उसके बाद मैं सोचता, मैं मेरा विमल भाई के मैं बोल दिया और लिरिक्स लिख गया और वी नीड टू रिकॉर्ड विथ पलक मुचल मैडम, सो इट वॉट ओके विल डू. आफ्टर दैट 2022 वी अप्रोच पलक मुचल. सो I approached Palak Mitchell madam. So our mom told me, I send a record to our mom. वो बोल दिया बहुत अच्छा है गाना. उसके बाद एक वीक में गाना रिकॉर्ड किया. आई एम सो लक्की बिकॉज पलक मुचल इज मैडम इज सच अ बिग ह्यूमन, बिकॉज शी हैड डन मोर देन 800 हार्ट सर्जरीज. सो इज सच अ ग्रेट ह्यूमन सर. सो इट वॉज लक्की टू वर्क विथ हर. अच्छा इंसान है बट गाना बहुत अच्छा है सर. एंड मेरा कंपोजर भी बहुत अच्छा कंपोज किया. एंड मेरे लिरिक्स राइटर भी बहुत अच्छा दिखा. एंड रोमोला उसको भी अच्छा दिखता है. मेरा वेंकटेश अन्ना है, को प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छा किया. मेरा कलीगोड जी है, वो भी बहुत अच्छा. पूरा टीम वर्क किया सर. कैसा सर गाना? अच्छा सुपर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. आप इमोशनल भी लग रहे हो सर, इमोशन भी लग रहे सर. और प्रॉपर हिंदी सॉन्ग ऐसे देखते सर, खुश होते सर. रोमिला सर, आप पर गाना पूरा फिल्म आया गया है, आप गाने में नजर आ रही है, कैसा लगा आपको जब आपके ऊपर गाना फिल्म आया गया, आपने सुना, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम वेरी बिग फैन ऑफ पलक मुचल मैम. वी आर वेरी ब्लेस्ड टू वर्क ऑन हर सॉन्ग्स. एंड वो बड़े बड़े स्टार्स को लिए भी ये गाना गा लिया है. ये डेब्यू मूवी के लिए सपोर्ट करे गाने के थ्रू. सो वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू पलक मुचल मैम. एंड आप सब लोगों को अच्छा लगा तो देन सॉन्ग इज गुड, दैट मीन्स. सो वी आर हैप्पी दैट we hope you all like the song. And please share and with your friends and family and support us. मैं लास्ट टाइम मैं बोल फिल्म क्या ना ट्रेलर रिलीज होने के बाद पता होता है सर. बहुत अच्छे आ गए मैडम. एक आफ्टर ट्रेलर यूल कम टू नो वर्ड्स there is I can assure you madam, this movie has something beautiful melody songs. Another two Kunal sir has sung, it is something on pathos song and romantic song. Bahut acha hai madam. usko bhi release karte hai, trailer bhi release karte hai. Bahut acha hai madam. Pura team work kiya, pura team work. We used to sit and we used to discuss, okay aisa karna aisa hota hai. Pura team work madam. Sunny you kab tak movie hogi tumhare paas? नेक्स्ट मंथ है सर, सोचता वेंकटेशना बात करो ना. नहीं ये इसका साथ में क्यों इसलिए बदलते इसका वो स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट देखिए स्क्रिप्ट का वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. बाद में सब लोग डिस्कशन किया इसके बारे में, बाद में वो लोग सांग किसे मतलब ये सेलेक्ट करना बोल के जावेद अली साहब सबके सबसे जो है ना ये लोग सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद में पालक मंचल की सब लोग आप लोगों को मालूम ही पालक मंचल सबसे नंबर वन ग्रेट सिंगर. उसके हिसाब से मैं लोग सभी इसको कोऑपरेशन दिया और आप ये उम्मीद करता हूँ सब लोग इसको सपोर्ट करना है. मैं भी एक्चुअली वो मेरा व्हील चेयर एंड मैं प्रोड्यूसर है ये मल्टी मतलब बहुत बड़ा फिल्म था उसमें सक्सेस भी हो गया है. उसके बाद में वो रिलीज हो गया है. पहले वो था उसके बाद में रायपुर का एक किया है तो सिंसियर होकर पढ़ाई पर नाटक रिलीज अभी रिलीज करना है. उसके बाद में इसका एक माई ने चेंज किया मतलब वो भी इसका है वो भी रिलीज करना है.
अभी ये फिल्म जो है ना, सब लोग आप लोगों को मतलब जो भी ऑडियंस है उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, ये फिल्म का मतलब बहुत सपोर्ट करके इसको हिट करना है उनके हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। जी इसमें 5 गाने हैं, 500 मेलन के गाने हैं और अगस्त के संतोष जी ने बहुत सारी कंपोजिशन बनाई इसकी। मैं बोल दूँ विमल जी को, यू शुड राइट गर्ल मिस गर्ल फीलिंग, सो इट वुड ओके। ये ड्रीम सीक्वेंस सॉन्ग साथ में हम लोगों ने देखा ना कि वो लाइफ में तब्दीलियाँ आ रही है, फेस पे सब कुछ बदल रहा है, तो उसको लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है कहीं पर मेरे साथ में, तो वो उसको ब्लेम कर रही कि ये सबका कारण तुम ही हो क्या। तो ये इन्होंने बस इतना बताया मुझे, फिर बोला आप फ्रीडम है, आप इसके ऊपर गाना बनाओ कर। तो हम लोगों ने प्रयास किया अच्छा सा, पलक जी ने बहुत प्यारा गाया, पब्लिक इसको इतना अच्छा शेयर करी। बाकी गाने सब मेलोडियस गाने पक्का मैडम, आई कैन अश्योर यू म्यूजिकली स्मूथ। सारे गाने बहुत अच्छे, ओ भी और तीन सॉन्ग है बहुत अच्छे है, कुणाल सर का कम बैक सॉन्ग है और पाता है एक रोमांटिक है, बहुत अच्छा है मैडम। पलक मैडम है ना बहुत अच्छा है मैडम, ओ शी नेवर थॉट मी एज ए न्यूकमर, शी ओके शी टोल्ड ओके यू नॉट न्यूकमर, गाना अच्छा ना हम गाना अच्छा है काम करना आजा, ऐसा किया बहुत अच्छा है मैडम। वो बड़ा सिंगर है, आई थिंक शी इज सच ए गुड ह्यूमन, मीन्स शी विल स्पेंड अ हाफ मनी टू सम चैरिटी आर्ट सजे, सच ए ग्रेट ह्यूमन, आई एम सो फैन ऑफ हर बिकॉज शी डज सो सोशल वर्क फॉर मेनी पीपल। और कन्नड़ में भी बहुत बहुत सॉन्ग्स हैं, तो वो भी जो मतलब रिकग्नाइज्ड सिंगर सॉन्ग है सोनगम सर, बिफोर कमिंग दिस वी ऑट टू आज ये करना था और ये लॉन्च करना था, लेकिन सब टाइम के लिए शॉट के लिए वो या पोस्टपोन टू कि यही थे कोई नहीं। सो वी रिक्वेस्ट वंस अगेन ऑल ऑडियंस सपोर्ट अवर मूवी टीम, अच्छा गाना है सर, प्लीज़ सपोर्ट अस, थोड़ा रीच करने का सपोर्ट करो सर, क्योंकि अच्छा अच्छा गाना है सर, प्लीज़ कनाडा से इधर आके कुछ करना ऐसा देख रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सपोर्ट। रिची लास्ट 2 years इज बीन हैपनिंग गुड फॉर कनाडा फिल्म इंडस्ट्री, या यस, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कैसे आप देखते हैं इस चीज़ों को? इट इज समथिंग ब्यूटीफुल ना सर, कनाडा इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक समथिंग बिगर KGF, कांतारा, चार्ली 777,
they're doing something bigger business. Badi badi film aa raha hai abhi. ये सोना निगम सर का एक सॉन्ग है, मैं बहुत फैन है ये सॉन्ग की और रिलीज के लिए वेटिंग है. इट इज सेड डब, इट सेड पेरिंग ऑफ द रिची. हां हां सर, हां सर. अच्छा, हाउ डू लाइक दिस सॉन्ग? फर्स्ट वी विल कन्नड हिंदी, उसके बाद वी विल डब फॉर अदर लैंग्वेज. व्हाट डू यू टू से टू फैंस कन्नड इन द लोकल लैंग्वेज? प्लीज सपोर्ट करो सर. ओरिजिनल लैंग्वेज में आप कन्नड में बोलेंगे? कन्नड में, कन्नड मातृभाषा कन्नड ದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್, ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಮು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಕಲಿಗೌಡ್ರು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಲ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಥರ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಮಲ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಜಿಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ ನನಗೆ ಕ್ಯಾ ಲಿಖ್ಯ ತುರ್ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ ಬರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ. हम तो हमारा काम कर लिया है, लेकिन लोगों को अच्छा लगना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है. सो वी होप दैट एवरीवन विल लाइक द सॉन्ग एंड एंजॉय इट. वी लाइक देम टू एंजॉय बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी टू एंटरटेन आवर ऑडियंस. सो आई होप एवरीवन विल लाइक दिस सॉन्ग एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल सो दैट वी कैन रीच मोर एंड मोर पीपल. सो ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಾಂಗ್ ಅಂಕಿತಾ ಕುಂಡು ಅವರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ ಕುಂಡು ಅವರು ಹಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.